नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एनालाइज द बैटल बिटवीन विराट कोहली एंड जेम्स एंडरसन, विच इज क्वाइट इन फेवर ऑफ जेम्स एंडरसन राइट नाउ। क्योंकि जेम्स एंडरसन ने जिस तरह से बॉलिंग डाली है कोहली को, तो कोहली पहली बॉल पे जब आउट हो चुके थे अभी फर्स्ट टेस्ट के अंदर डे टू में, तो उसको इस वीडियो के अंदर हम पूरा एनालाइज करेंगे कि 2014 में भी और 2018 में भी और 2021 में उन्होंने अपने फुटवर्क के अंदर क्या बदलाव किया, और 2014 में जिसके अंदर जेम्स एंडरसन ने उनको ज़्यादा बार आउट किया था। मेरे पास स्टैट्स हैं, 2014 में 19 रन बनाए थे मात्र विराट कोहली ने, 50 बॉल्स खेल कर 4 बार डिसमिस करा था जेम्स एंडरसन ने कोहली को। इनका बैटल थोड़ा ऐसे ही चलता रहा है। 2018 के अंदर उन्होंने 114 रन बनाए थे 270 बॉल्स पर, एक बार भी डिसमिस नहीं करा था। और 2018 और 2021 के अंदर आ गए तो कोहली ने अभी तक 0 रन बनाए, एक बॉल खेली और पहली बॉल पर आउट हो चुके थे। तो इसको थोड़ा एनालाइज करेंगे कि किस तरह से क्या गलती हो रही है कोहली से, क्या स्टैंड्स के अंदर कोई दिक्कत आ रही, क्या हो रही, तो आइए देखते हैं। विराट कोहली के बारे में अपना जो पहला है कि विराट कोहली वर्सेस एंडरसन की कोहली से क्या गलती हुई कि एंडरसन से वो पहली बॉल पे आउट हो चुके थे, मानस आपको क्या लगता है? मैं भी थोड़ी देर में आपको फोटो भी दिखाऊंगा 2014 में जो उन्होंने शॉट खेला था, 2018 में जो खेला था, 2021 में खेला, तो हल्का सा सिमिलर है। तो मानस आप कंटिन्यू करिए, मैं एक बार वो फोटो निकालता हूँ फिर आपको दिखाऊंगा। देखिए, एंडरसन और विराट कोहली की अगर जोड़ी को देखा जाए तो, मतलब एक बैटल को देखा जाए तो उसमें ये है कि आप इस बार पहली बॉल पे एंडरसन ने आउट किया, तो देखिए एक इन स्विंग लाए थे वो, तो जो ग्रिप थी बॉल की उसको ऐसे लिया था उन्होंने। नॉर्मल जब इन स्विंग डालते हैं तो हम इतना सा ग्रिप इतना सा रखते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा घुमाया था तो बॉल क्रॉस सीम हुई और क्रॉस सीम होके अंदर आई बॉल और फिर एकदम से एज लगा और सीधे कीपर कैच हो गया। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस कि एक बॉलर ने ध्यान में रखा। उन्होंने ये 2018 में भी किया था, आई थिंक दूसरे टेस्ट मैच में किया था ये शायद उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया था कि इन स्विंग के वेरिएशन इतने होते हैं, पर बॉल में थोड़ा इतना गैप लाया, क्रॉस सीम हुई बॉल और एकदम से बॉल अंदर घुसी और सीधा कीपर कैच। देखो जो पहले वाली इमेज है 2014 वाली है, ठीक है, फिर दूसरी वाली है जो ये 2018 वाली है, 2021 वाली भी है इसमें। तो अब देखो दूसरा देखिए, हाँ मानस बताइए, आप थोड़े पेसर हैं तो आप समझा सकते हैं अच्छे से जिस तरह से इसमें डिफरेंस दिख रहा है। तीनों का फुटवर्क अलग है, लेकिन जो 2014 और 18 का वो हल्का सा मुझे एक ही लग रहा है जिस तरह से दोनों शॉट है। 2021 उन्होंने अलग से रणनीति अपनाने की कोशिश करी थी, स्टेप आउट ये हुए थे लेकिन फिर ये आउट हो चुके। तो मानस आप पेसर के रूप में अगर आप इसको देखते तो क्या गलती हुई है विराट कोहली से इसमें? हेलो, हाँ देखो मैं बता रहा था कि 2014 में किस तरीके से पहले बैकफुट पे खेल रहे थे, मैं बता रहा था कि 2014 में किस तरीके से बैकफुट पे खेल रहे थे वो, और फिर एकदम से कीपर कैच लग के वो स्लिप्स में आउट हो गए थे। दूसरी बार 2018 में जब किया तो अपना जो ड्राइव करने की पोजीशन है उसको थोड़ा एनलार्ज किया उन्होंने। एनलार्ज करने की बदौलत क्या हुआ कि जेम्स एंडरसन ने क्या किया, एक हल्की सी क्रॉस सीम डाली, हल्की सी इनस्विंग डाल दी तो एज लगा और वो भी कीपर कैच हो गया। इस बार क्या करा उन्होंने, क्रॉस सीम डालने की कोशिश की क्योंकि वो जानते थे कि वो ड्राइव मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2014 2018 का वो सीन याद था उनको, तो वो ड्राइव मारने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, क्रॉस सीम पटक दी तो बॉल हल्की सी अंदर खाके बाहर निकली और कीपर कैच। किसमें भी उनसे वही गलती हुई थी कि 2018 में और 14 में जो हुई है? नहीं 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 नहीं, देखिए 2014 तीनों में बहुत अलग अलग डिफरेंस है। पहले तो बैकफुट पे खेल रहे थे वो, दूसरी बार उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा एनलार्ज करने की हल्का सामने किया होगा कि हल्का सा वो पैर फैलाने की कोशिश की उन्होंने। तीसरी पोजिशन में तो उन्होंने एक बार बिल्कुल ही पैर फैला दिया और ड्राइव मारने की कोशिश की, क्योंकि उनको लग रहा था कि बॉल बाहर जाएगी तो ड्राइव निकाल देंगे, लेकिन एंडरसन ने चालाकी की और क्रॉस सीम बॉल पटक दी इन स्विंग के साथ, तो बॉल हल्की सी अंदर जाके बाहर टिप्पणी खाई और सीधा कैच हो गया।